दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाइथन की न्यू क्लास में। दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की, तो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगे। पहला होगा डिसीजन और दूसरा होगा रिपीटिशन। डिसीजन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिपीटिशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, मुझको ऐसा लगता है कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसके आउटपुट को, उसके रिजल्ट्स को देखा जाए कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं। और पाइथन में तो एक चीज सबसे बड़ी है इंडेंटेशन। अगर आपने इंडेंटेशन सही से नहीं किया है तो आपकी एरर आनी तय है। तो इंडेंट आपका सही होना चाहिए, इंडेंटेशन आपने गलत किया है तो पक्का आपका एरर आएगा। तो दोस्तों मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो भी प्रोग्राम बनाइए उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जरूर देखिए। अगर प्रैक्टिकली सही आ रहा है तब तो आप समझिए कि आपको प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट, सिंटेक्स और जो वर्क है वो समझ में आ रहा है। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिकल के प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करें। तो दोस्तों पाइथन में हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो स्टेटमेंट आता है वो है इफ स्टेटमेंट। क्या है? इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है थ्री वेज फॉर टेकिंग डिसीजंस इन ए प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में हम लोग तीन तरीके से डिसीजन को ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तरीका हमने लिया है इफ कंडीशन। क्या लिया है? इफ। सिंपली आपके सामने इफ लिखा, इफ के बाद कंडीशन लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप लगाएंगे कोलन और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड सो ऑन। ये ओनली इफ ब्लॉक का काम करेगा। एक और तरीका क्या है? इफ ब्रैकेट में कंडीशन। अब समझिए मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक ला रहे हैं क्यों, ऐसा समझिए। दोस्तों अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखा इफ और ब्रैकेट में आपने कोई कंडीशन लगा दी, मान लीजिए आपने एक कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, या तो वो कंडीशन यस होगी या तो वो कंडीशन नो होगी। मतलब क्या? या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। अब जब आपने एक बार कंडीशन चेक कर लिया, आपको मालूम चल गया कि ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है, या फॉल्स है इसका मतलब ट्रू है। क्लियर है? अगर फिर समझिए मेरी बात, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है इसका मतलब फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं है इसका मतलब ट्रू है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ कंडीशन, आपने कंडीशन को टेस्ट कर लिया, अगर कंडीशन ट्रू सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे। अदरवाइज, अदरवाइज के लिए हमने क्या लगा रखा? एल्स ब्लॉक। मतलब ये कंडीशन अगर सही नहीं होती है तो एल्स के ब्लॉक्स में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट कर जाए। तो यहाँ पे आपको कोई दोबारा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ वाली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। क्लियर? अब एक और है, हो सकता हो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ना करे, एल्स में गया हो तो फिर कोई कंडीशन लगी हो। तो यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या लिखेंगे? एल इफ, ई एल आई एफ, दोनों में कोई भी गैपिंग नहीं है। एल इफ मतलब एल्स इफ का काम कर रहा है ये। एल इफ कंडीशन लगाएंगे, मतलब एल्स के अंदर जाके फिर कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं तो इसके अंदर गए एल इफ, कंडीशन लगाया, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट किया, और अगर ट्रू नहीं हुई
तो इसके बाद कोई भी हमने इफ नहीं लगाया हुआ है तो सीधे एल्स का पार्ट लगाया और एल्स का पार्ट लगा के स्टेटमेंट को यहां से क्लोज कर दिया दोस्तों। क्लियर? तो हमारे पास ये तरीके हैं जिनको हम लोग अपने पाइथन में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों, हमें ऐसा लगता है और मैं ऐसा मानता भी हूं कि ये आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा, पूरा वर्क कंप्लीट हो गया होगा इसमें। अब कुछ आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आइए दोस्तों देखें, हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हुए हैं और इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल नंबर वन, देखिए क्या है, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, इनपुट ब्रैकेट में इंटर नंबर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मुझे पता है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, कंसोल की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को हमने दो से डिवाइड किया और आप लोगों ने अगर कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी हो सी लैंग्वेज तो वहां पे आपको पता होगा कि ये क्या काम करता है। तो ए को दो से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है शेषफल, उसको चेक कर रहे हैं क्या वो जीरो है। अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब नंबर डिवाइड हो चुका है दो से, तो मैंने प्रिंट करा दिया इवन नंबर। मतलब अगर नंबर दो से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। प्रिंट ऑड नंबर, मतलब अगर वो दो से डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब ऑड नंबर है। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ए इनपुट इंटर द नंबर, इफ ए को दो से डिवाइड किया, चेक किया, अगर नंबर जीरो हो गया तो प्रिंट नंबर डिविजिबल बाई टू। फिर इसके अंदर गए, अगर नंबर दो से डिवाइड नहीं हुआ तो यहां पे जाके फाइव से चेक कर रहे हैं या फाइव डिवाइड कर दे रहा है, अगर फाइव डिवाइड कर दे रहा है तो मतलब नंबर डिविजिबल बाई फाइव, नंबर क्या हो गया पांच से डिविजिबल है। ये भी नहीं हो रहा है तो चेक किया, क्या वो नंबर तीन से डिविजिबल हो रहा है, अगर तीन से हो गया तो प्रिंट नंबर डिविजिबल बाय थ्री। अगर ना वो दो से डिवाइड हो रहा है, ना वो पांच से हो रहा है, ना वो तीन से हो रहा है, इसका मतलब प्रिंट एल्स का केस लगा दिया मैंने, नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू कॉमा फाइव कॉमा थ्री। सिंपल प्रोग्राम है, इसको रन कराएंगे, चेक कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए को दो से डिवाइड किया, अगर डिवाइड हो गया जीरो आ गया शेषफल तो नंबर इवन हो गया। फिर तीन से चेक कर लिया तो अगर तीन से डिवाइड हो गया तो ऑड नंबर हो गया। अब उस केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को चेक करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर या तो ये कंडीशन चेक परफॉर्म हो रही होगी या तो इसका पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो दोस्तों हमने आपको काफी एग्जाम्पल्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बल्कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसकी, रिपीटिशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो रिपीटिशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपीटिशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। रिपीटिशन मतलब रिपीट करता रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के लूप आएंगे, व्हाइल का लूप आएगा और फॉर का लूप आएगा। व्हाइल के लूप की बात करें तो व्हाइल के लूप का जो सिंटेक्स है, ये आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंटेक्स नहीं पता होगा तो प्रोग्रामिंग में आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन कोलन लगाया, स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ये आपने सी में पढ़ा होगा, जावा में भी पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों पाइथन में एक नया यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देता है, एड कर देता है, और इस ये ब्लॉक कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑलवेज अटैच ही किया जाए, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इस पर परेशान मत होइएगा। आइए कुछ मैंने यहाँ रिमार्क पॉइंट लिखे हुए, रिमार्क की बात कर लेता हूं। मैंने लिखा हुआ है एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि व्हाइल के साथ ऑलवेज एल्स का ब्लॉक लगे, ये ऑप्शनल है, हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है जरूरत है तो लगा दीजिए, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू एड एल्स ब्लॉक ऑलवेज, हमेशा आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट,
व्हेन द व्हाइल लूप इज टर्मिनेटेड, अगर व्हाइल लूप आपका टर्मिनेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक स्टेटमेंट होता है, सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही काम यहां भी करता है, पूरे पूरे लूप से बाहर कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट, देन else block not executed, मतलब अगर ये while का पार्ट break statement के माध्यम से terminate हो रहा है तो else का जो work है वो execute नहीं करेगा। clear? example देख लेते हैं। while i का मान 10 से कम हो, आपको शुरुआत में i का value कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने i का मान 10 दे दिया, तो 10 से कम हो जाएगा, तो मैंने कहा i का मान, मान लीजिए 0 था, तो 0 10 से कम है तो प्रिंट कर देगा। अब ये कब तक करता रहेगा, एक वर्क बताया है मैंने, इसमें आइए while i less than 10 प्रिंट i। अब यहां पे आप i को बढ़ा लीजिए, i इक्वल टू i प्लस इक्वल टू 1, मतलब यहां पे i का मान बढ़ा लीजिए, i प्लस 1, फिर i बढ़ेगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जैसे ही हुआ होगा लूप टर्मिनेट बिकॉज कंडीशन फॉल्स, एल्स में आया होगा और यहाँ पे ब्लॉक आई का मान प्रिंट कर देगा। क्लियर दोस्तों? तो ये एक मैंने व्हाइल का ओवरव्यू दिया है, प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर होगा, घबराने की बात नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर की। देखिए दोस्तों, फॉर थोड़ा सा हटके है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है उसका, उसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जो पढ़ा हुआ है जावा में, सी में, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही है, बट थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क है तरीका थोड़ा अलग होगा, और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप इसका लाइव प्रैक्टिकल करें कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप जो भी आपके पास है। फॉर लूप में देखिए सिंटेक्स क्या है, फॉर आपका कीवर्ड हो गया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम जिससे आप फॉर लूप चला रहे होंगे, इन आपका रिजर्व कीवर्ड है, इन यहाँ पे लिखा है आपने इन लिस्ट, मतलब फॉर वेरिएबल का नाम इन लिस्ट, यहाँ कोलन लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ भी एल्स ब्लॉक व्हाइल लूप की तरह है। व्हेन द लूप इज टर्मिनेटेड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट देन द एल्स ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर ये लूप वाला पार्ट ब्रेक के माध्यम से टर्मिनेट हो रहा है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल, देयर इज नो नीड टू अटैच एल्स ब्लॉक, ऑलवेज ऑप्शनल पार्ट है, ऑलवेज आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये एक लिस्ट होती है, अभी इसके बाद हम लोग लिस्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे, लिस्ट भी एक डायनेमिक एरे की तरह काम करेगा यहाँ पे, तो घबराने की बात नहीं है। तो ये लिस्ट एक बनाया है मैंने जो एम्प्टी है, लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का पार्ट है। फॉर आपका रिजल्ट कीवर्ड हो गया, आई से मैं लूप चला रहा हूं, आई कॉमा ELE इन इन्यूमरेट, ये अभी थोड़ा सा जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बता देगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन्यूमरेट क्या कर रहा है, इन्यूमरेट लिस्ट, यही लिस्ट यहाँ पे है। प्रिंट ELE, हर एक एलिमेंट को ये प्रिंट करता चला जाएगा, कहां तक करेगा, लास्ट 9 तक। तो दोस्तों मैंने फॉर लूप के माध्यम से एक लिस्ट को प्रिंट करने का काम किया है यहाँ पे। लिस्ट क्या होती है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा काम करेंगे, देखेंगे, एक डायनेमिक एरे होता है बेसिकली, और ये एक मल्टीपल डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, डुप्लीकेट डेटा को भी अलाउ कर देता है, डुप्लीकेसी अलाउ है इसमें। तो अभी आप बहुत परेशान मत होइए इसको लेके, जब हम लोग लिस्ट की चर्चा करेंगे और भी चीजें आगे पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे देखेंगे, तो अब बहुत ज्यादा फोकस अभी वहां पे करने की जरूरत नहीं है लिस्ट पे, जब लिस्ट की बात की जाएगी तो देखा जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए, इतना पार्ट क्लियर करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कमेंट करने पे आपको उसके आंसर्स जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इतना चीज क्लियर हो गया तो समझिए आपने बहुत कुछ पाइथन में सीख लिया है अभी, और ये पुरानी लैंग्वेजों से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपने सी लैंग्वेज या जावा पढ़ी हुई तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा अब जो स्टार्टिंग होगी, लिस्ट आएगा, टपल्स आएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको पाइथन की क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट करने से क्या होता है, हम लोग को सूचना मिलती है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इतना जरूर लिखा करिए कि सर आपका जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए
वीडियोस हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक बात और, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, यदि आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तब भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम लोग और भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक नया चीज लेके आने वाले हैं। मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं कि आप लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सिखाया जाए। दोस्तों मैं कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं कि आप लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाया जाए, और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए एंड्रॉयड की भी क्लासेस लेके आने वाला हूं। और चूंकि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा हैवी लोड देता है, इसलिए मैं एंड्रॉयड को अभी इतना अपने सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड स्मूथली रन करे तो आपको कम से कम 8 GB का रैम चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है, i7 प्रोसेसर चाहिए, तो इतना ज्यादा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तभी आपका आसानी से चलेगा। और रोज नए नए एंड्रॉयड के अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन मैं लाऊंगा जरूर आप लोग के लिए एंड्रॉयड, और आप लोग को सिखाऊंगा कि एंड्रॉयड में आप कैसे ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको मिलें कैसे मिलेंगे, जब तक आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो आप नहीं जान पाएंगे कि कब से एंड्रॉयड के क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, या क्लास स्टार्ट हो गई आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।